हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ दो ब्यूटीफुल से पोनी टेल हेयर स्टाइल ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। तो अक्सर हम लोग पोनी टेल बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया था, ये सिंपल रबड़ लगा लेते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा एलिगेंट टाइप का हेयर स्टाइल बताती हूँ आज मैं आपको, जो कि प्रोफेशनल लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा जो हम लोग सिंपल ऐसे पोनी करते हैं और निकल लेते हैं ऑफिस के लिए, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ क्योंकि मैं बाइक पे घूम के आई और पूरा बाल मेरा उलझ गया है। ओके, जो भी आपको ऑफिस या कॉलेज जाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर पोनीटेल बना रहे हो बालों की ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेनी है और बैक साइड के बालों का पोनीटेल बना लेना है। कल का जो हेयर स्टाइल बताया था मैंने, बहुत ही प्यारा है गाइज। अगर आपके पास शॉर्ट है, आप खुले रखते हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा वो हेयर स्टाइल। इतना करने के बाद से आपको सारे बालों को कॉम करना है। एंड पोनीटेल बना लेनी है। ओके, पोनीटेल बनाने के बाद से जो ये हमारा हेयर है इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको मांग निकालनी है तो निकालिए, नहीं निकालनी है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, रबर बैंड दीजिए पतला वाला। उसके बाद आपको पतला वाला रबर बैंड लेना है, वो से टूट गया। ऐसे रबर बैंड लेंगे और थोड़ा सा लूज करके आपको रबर बैंड को लगा देना है। ओके, कीप मत कीजिएगा, एक और पोनीटेल हेयर स्टाइल बताऊंगी जो कि और भी ज़्यादा प्यारा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरीके से करेंगे, देन इसको इस तरीके से घुमा देंगे। ओके, घुमाने के बाद से ये जो गैपिंग दिख रही है इसके बीच में से पोनी के सारे हेयर को खींच लेना है और नीचे से इसको टाइट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो रबर बैंड है वो भी हाइड हो गया एंड आपका जो हेयर स्टाइल, तो इस तरीके से पोनीटेल हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो हो गया अगर आपको मांग निकालनी है, उसके साथ अगर आपको लो पोनीटेल बनाना है तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो जाएगा। एंड सेकंड में आपको क्या करना है, मांग निकालना है या फिर लो पोनीटेल के लिए आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। बट अगर हाई पोनीटेल बनाना है एंड मांग नहीं निकालना है, आप कुंवारी हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप का हेयर स्टाइल बता देती हूँ। तो ये वाला ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। आप कभी भी पोनीटेल बना रहे तो सिंपल मत कीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, ज़्यादा इजी मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और काफ़ी इजीली आप बना लोगे ये वाला हेयर स्टाइल। तो सेकंड हेयर स्टाइल के लिए पहले हेयर स्टाइल को ओपन करते हैं और इसमें आपको सेकंड हेयर स्टाइल में आपको एक क्लचर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको बालों को हाफ पार्टीशन लेना है ईयर टू ईयर करके। ओके, ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे, अच्छे से कॉम कर लेंगे। ओके, कॉम करने के बाद से आपको हाफ पार्टीशन में एक रबर बैंड लगा देना है। और इसको आगे की तरफ छोड़ देंगे, फिर सेकंड में पूरा हेयर ले लेना है और जहाँ पे आपने फर्स्ट रबर बैंड लगाया था वहाँ तक इसको लेके जाएंगे पोनीटेल को कॉम करते हुए। ओके, और एक रबर बैंड और लगा देंगे, बिल्कुल पास में लेके जाना है जो आपने पहले पोनीटेल बनाई थी उसके पास। ओके, तो इस तरीके से करने के बाद से आपको फर्स्ट वाला जो हेयर थे पोनीटेल था उसमें इस तरीके से गैपिंग
इसके बाद आपको आपने जो फ्रंट में पोनीटेल बनाई थी उसको इस तरीके से गैप करेंगे। देन नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ इसको लेके आएंगे ऐसे। ओके, इसी होल में से आपको फिंगर को अपर साइड से नीचे की तरफ लेके जाना है एंड पोनीटेल को इस तरीके से खींचेंगे और टाइट कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद फिर क्या होगा, हमारा पोनीटेल तो हाई बन गया बट यहाँ से हमारा हेयर जो है वो फ्लैट हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, क्लचर लेंगी और यहाँ से आगे की तरफ पुल करेंगे, एक पोनीटेल को छोड़ देंगे सेकंड वाले में, आगे की तरफ इस तरीके से पुल करते हुए क्लचर को लगा देंगे जिससे कि आपकी पोनीटेल जो है वो हाई भी हो जाएगी और लंबे बालों पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जहाँ से आपको लगे कि अनमैनेज लग रहा है वहाँ पे इस तरीके से आपको फ्रंट की तरफ से हेयर को खींचना है। देन आप चाहो तो एक यू पिन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने लेयर कट करवा रखा है या फिर एडवांस लेयर में कटवाया है और ये वाली पोनीटेल बना रहे हो तो काफ़ी प्यारा लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा एंड लॉन्ग बालों पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये थे आज के दो पोनीटेल हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही ईजी ट्रिक से आप अपने पोनीटेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव एंड डिफरेंट दिखा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। इसको आप चाहो तो बन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बन में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको सिंपली इस तरीके से रखोगे, आगे से ट्विस्ट की ट्विस्टिंग करोगे और दैट्स इट। यू पिन से या फिर क्लचर की मदद से ही इसको इस तरीके से, मैं क्लचर में ही इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगी एंड यहाँ पे एक यू पिन ट्राई कर सकते हैं। बट मैंने दो पोनीटेल हेयर स्टाइल बताई, बट अगर गर्मियों का टाइम चल रहा है, अगर आपको पोनीटेल नहीं बनाना है तो आप इसको बन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की ईजी एवरीडे एंड ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल की वीडियोज देखने के लिए। तो आज मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बताया है तो आज मैं बता देती हूँ आपको, ये बोरो प्लस का एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो लाइट नॉन स्टिकी है एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ। इसमें दो फाइल मंगाया था मैंने, एक ख़त्म हो चुका है, ये सेकेंड है जो कि हाफ ख़त्म हो चुका है। इसको लगाने के, ये कटे जले पे भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड लगाने के बाद से काफ़ी अच्छा ठंडा सा फील होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके फेस के लिए। अगर आप कोई क्रीम लेना चाहते हो जो कि इसमें विटामिन ई है तो आपकी स्किन पे जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिससे आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। और इससे भी ऑफ चल रहा होगा, कल मैंने बताया था D10 पैक जिसपे 40% का ऑफ चल रहा है, तो आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा और खरीद लीजिएगा। D10 पैक मैंने यहीं रखा हुआ है, इस पर 40% का ऑफ चल रहा है एंड मेकअप फिक्सर पे 20% का ऑफ चल रहा है जिसका मैंने लिंक पिछली वाली वीडियो में दिया था। तो अगर आप लिंक पे जाके क्लिक करके आप वीडियो प्रोडक्ट को बाय करते हो तो आपको 20-50% तक डिस्काउंट इजिली मिल जाता है। और इस प्रोडक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जल्दी से जाके बाय कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।